हम लोग का पहला क्वेश्चन है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। चलो पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है इसको समझना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हमको कोई फंक्शन का हमको पार्शियली डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई अगर ये दोनों कंटिन्यूस हो तो उस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है कि भाई वो फंक्शन जो है ना वो भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट ए बी पॉइंट पर, और ये भी जो कंटिन्यूस होगा एफ का पार्शियली डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई ये भी आपका ए बी पर कंटिन्यूस होगा। ये हमको दिया हुआ है, हमको और ये प्रूफ करना है। ठीक, वैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी फंक्शन, ध्यानपूर्वक समझना, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ये हमको अगर दिया हुआ रहे उस कंडीशन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर एफ मेरा ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है उस कंडीशन में ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और उसका पड़ोसी नाइबरहुड ए प्लस एच कोमा बी प्लस के इस पर फंक्शनल वैल्यू दोनों का डिफरेंस बराबर होता है ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर हमको, ध्यानपूर्वक समझना मैं जो कह रहा हूँ, अगर हमको f डिफरेंशिएबल दिया हुआ था उस कंडीशन में इसका डिफरेंस ये वैल्यू होता था। अगर हम लोग इस टर्म का डिफरेंस ये वैल्यू प्रूफ कर दें तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हम लोग इस टर्म को ये वैल्यू प्रूफ कर दें तो वो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और इस टर्म को ये वैल्यू प्रूफ करने में हमको इसका जरूरी पड़ेगा कि एफ एक्स और एफ वाई कंटिन्यूस है, हमको इसका हेल्प लेकर के इसको प्रूफ करना होगा। ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पर ध्यान दो आप। नाउ हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, चूँकि एफ डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर, तो ए बी पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए बी और उसका पड़ोसी कौन है, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अब। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे उसको भली भांति आप देखो, जो हमको ये फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, इसमें हम लोग एक टर्म जोड़ते हैं और घटाएंगे, एफ ए बी प्लस के घटा दिए और इसी टर्म को फिर से हम लोग जोड़ भी देते हैं, और ये टर्म आपका पहले से था माइनस एफ ए बी। ऐसा करने से क्या हुआ, हम लोग इसको दो दो के ग्रुप में कर ले। आप अगर भली भांति यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हम लोग अगर इस टर्म को घटाएं और फिर जोड़े तो यहाँ पर मेरा दो टर्म में ये बढ़ चुका है। पहले टर्म में मेरा ये y कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है एंड सेकेंड टर्म में मेरा x कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है। अच्छा जी, ये तो और अच्छी बात है। अच्छा, इसको आप ध्यान में रखना, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग सिंपल सा, अगर नहीं भी जानते हो तो आप ध्यान दोगे ना तो समझ जाओगे। लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग देखते हैं इसमें कितना अंतर हो रहा है, इस पॉइंट में कितना अंतर हो रहा है। ये सेम है, ए प्लस एच और ए में एच का अंतर है तो एच से मल्टीप्लाई करना है। फंक्शन एफ है तो फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करना है। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चूँकि a प्लस एच से a बन रहा है जो कि x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है,
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है एफ एक्स। अब पॉइंट क्या लेना है, चूंकि बी प्लस के दोनों सेम है तो बी प्लस के लिख लिए। अब यहाँ पर ए प्लस एच है और ए है, मतलब ए प्लस एच और ए इसके बीच का टर्म लिखना है। कैसे लिखोगे, वन और जीरो, यहाँ वन छिपा हुआ है, यहाँ प्लस जीरो इंटू एच, इसके बीच का टर्म क्या लिखोगे। हम लोग मान लेते हैं कोई थीटा वन जो कि वन और जीरो के बीच में है। अगर हम लोग थीटा वन कहेंगे तो वन और जीरो के बीच में आएगा, हम लोग वही करेंगे, ए प्लस थीटा वन एच मान लेंगे, जहाँ थीटा वन वन और जीरो के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ए प्लस एच और ए के बीच में क्या आएगा, ए प्लस थीटा वन एच, डेट्स क्लियर। सेम यही फंडा यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, सोचो, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे भी देखना है आपको कि चेंजेज किस में आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में के का अंतर है, यहाँ बी है, वाई कोऑर्डिनेट में के का अंतर है, के लिख लिए। एंड फंक्शन एफ था तो एफ का डेरिवेटिव किए, एफ डैश, दैट इज एफ डैश नहीं लिखना, एफ डैश लिख भी सकते, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बी प्लस के से बी में चेंज हो रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो सिंपल सा यहाँ एफ वाई लिख दो। तो यहाँ पर स्पष्ट होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या फिर वाई के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब पॉइंट लिखना है, पॉइंट इस दोनों के बीच का ऑल पॉइंट लिखना है, चूँकि ए ए सेम है तो ए लिख ली, बी प्लस के और बी के बीच का पॉइंट बी प्लस थीटा टू के, जहाँ पर थीटा वन और थीटा टू मेरा वन और जीरो के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, डैट्स क्लियर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब समझना है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, हमको दिया हुआ है एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों कंटिन्यूस है, तो यहाँ लिखते हैं चूँकि एफ एक्स एंड एफ वाई बी कंटिन्यूस, किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कंटिन्यूस क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। जैसे ये ए बी फंक्शन है, मतलब ए बी पॉइंट है, इस ए बी पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ए बी जब कंटिन्यूस होता था तो फंक्शन को, मैंने क्या कहा, ध्यानपूर्वक अपने दिमाग पे आने देना, सारे फंक्शन को जो कि एफ एक्स वाई जनरल रूप है, इसमें एक्स वाई को हम लोग ए बी पॉइंट के करीब लाते थे, एक्स वाई टेंस टू ए कोमा बी लिमिट लगा करके, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता था तो हम लोग कहते थे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। मतलब कहा क्या जा रहा है, ए बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और उसके नाइबरहुड, उसका जो पड़ोसी होगा उस पर भी जो फंक्शनल वैल्यू होगा, अब पड़ोसी क्या, करीबन करीब टेंस टू जीरो वाला पड़ोसी जो होगा उस पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा। कंटिन्यूस कहने का बस यही मकसद है। ठीक है, इसका मतलब है ये एफ एक्स है और एफ एक्स किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर, और एफ एक्स यहाँ पे भी है, ए प्लस थीटा वन एच बी प्लस के, ए में थीटा वन एच जुटा हुआ है, बी में के जुटा हुआ है, इसका मतलब है ए बी का ये पड़ोसी है, इस पर भी फंक्शनल वैल्यू है, इसका मतलब ए बी पर फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स और ए बी का पड़ोसी पर फंक्शनल वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर ये पड़ोसी है ए प्लस थीटा वन एच कोमा बी प्लस के, और ये है एफ एक्स ए बी, जब दोनों को घटाएंगे ना तो करीबन करीब जीरो के बराबर निकलेगा, उसी को हम लोग मान लेते हैं फाई एच के। फाई एच के है क्या, करीबन करीब एच और के टेंस टू जीरो है, जीरो को लिखने का, टेंस टू जीरो को लिखने का एक अलग सा तरीका है फाई एच के, इसी को हम लोग मान लेते हैं लेट। ठीक है, एंड अगेन एफ वाई भी कंटिन्यूस है ए बी पर, तो एफ वाई ए बी और इसका पड़ोसी ये है एफ वाई ए कोमा बी प्लस थीटा टू के,
जब इस दोनों को घटाएंगे तो मान लेते हैं, वैसे तो टेंस टू जीरो ही निकलेगा, उसको हम लोग एक फंक्शन के रूप में मान लेते हैं साय, चूँकि एच टर्म नहीं है यहाँ पर, देखो ए और ए है, जैसे ऊपर में एच और के दोनों था, यहाँ पर सिर्फ के है, एच नहीं है, एच नहीं है तो एच को जीरो मान लो, या फिर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा और के का के लिख लो। हमको जरूरी क्या है, हमको इस टर्म का जरूरी है और इस टर्म का जरूरी है, इस दोनों से इससे हमको ये टर्म निकालना है, तो निकाल लो ना इसको, अकेला कर लो। अकेला होने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सा फाइ एच को एक साथ ही मिल जाएगा प्लस एफ एक्स ए बी। एंड अगेन भाई साय वाले भाई, आपको भी साथ ही मिलेगा एफ वाई ए कोमा बी प्लस थीटा टू के, इसको भी अकेला कर लो। अब साय वाले को भी एक साथ ही मिल जाएगा जीरो कोमा के प्लस एफ वाई ए बी। अब इस दोनों का वैल्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, या फिर अभी भी नहीं दिखा, इसका वैल्यू यहाँ पुट करोगे एंड इसका वैल्यू भी आप यहाँ पुट करोगे। तो पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक बार लिख लेते हैं, ला 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 कहाँ गया, बी प्लस के, फाइनली हम लोग लिख चुके हैं। चलो h इंटू एफ एक्स, ये जो टर्म है इसका वैल्यू ये था, लिख लो फाइ एच के प्लस एफ एक्स ए कोमा बी, लिख तो लिए। एंड अगेन k इंटू इसका वैल्यू यहाँ पर है, इसको भी लिख लो साई इंटू जीरो कोमा k प्लस एफ वाई ए कोमा बी। एंड अगेन अब देखो समझना, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि जब समझना ध्यानपूर्वक, यहाँ पर ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम लोग ए कहते हैं, और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बी कहेंगे। यहाँ लिख लो वेयर ए इक्वल टू ये टर्म और बी इक्वल टू ये टर्म। अब आप लोग, भैया आपने कब बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, ए इक्वल टू एट ए जीरो पॉइंट पर एफ एक्स जीरो जीरो था और बी का वैल्यू एफ वाई जीरो जीरो था, इसका मतलब हो गया इसके जगह पर ए इसके जगह पर बी पुट करना है। तो पुट करो एच इंटू फाइव एच के प्लस ए प्लस के इंटू साय जीरो के प्लस बी। अब मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है, यही आपको प्रूव भी करना था जो हमने यहाँ पर प्रूव किया है। देखो आपको भली भांति दिख रहा होगा, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक, ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाइव एच के प्लस के इंटू साय जीरो कोमा के। चलो यही आपको प्रूव करना था कि इसका जो वैल्यू है ना, ये टर्म आना चाहिए, जो कि आपका यहाँ देखो है ना, डिफ्रेंसीबल का ये कंडीशन था, इसका मतलब है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, हैंस अतः फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। चलो फंक्शन इज, दैट इज थ्योरम मेरा प्रूव हो चुका है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कि हमारे सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या प्रूव करना है।